नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। संगीनों के साए में होगी 6 संघ का चुनाव, पूर्ण कर ली गई तैयारियां। जी हां, DCS के PG कॉलेज में कल 6 संघ का चुनाव के लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कॉलेज के प्रशासन इस बार चुनाव के बाद मतगणना में CC कैमरा भी लगा रही है, जिससे किसी प्रकार की किसी को मतगणना में गलतफहमियां ना हो। इस बार चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर कॉलेज प्रशासन तक कमर पूरी तरह से कस ली है। संगीनों के साय में इस बार मऊ DCS के PG कॉलेज का 6 संघ का चुनाव होगा, जिसकी पूर्ण तैयारी कर ली गई है। भारी संख्या में PSC और पुलिस लगाई जाएगी। 8 बूथ लगाए जी। 8 बूथ लगाए। कितने छात्र हैं? 4112 पंजीकृत छात्र। क्या क्या और तैयारियां हो रही हैं कि बाहरी छात्रों के रोकने के लिए, या फिर आई कार्ड के लिए, या फिर पहचान पत्र? कुछ कल 8 बजे से शुरू, और वही मतदाता छात्र प्रवेश पा सकेगा जिसके पास कॉलेज का वैध पहचान पत्र और फीस रसीद हो। उसके अभाव में वो जो है मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। क्या ड्रेस कोड जो लागू हुआ है, क्या है उस दिन? अनुशासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हमारे महाविद्यालय के इस सत्र में ड्रेस कोड लागू किया गया है, और माननीय प्राचार्य जी द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कॉलेज का परिषद का अनुशासन व्यवस्था सुधारने में ड्रेस की बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए शुरू से ही प्राचार्य जी का इस बात पर बल है कि लोग किसी भी संदर्भ में महाविद्यालय में आते हैं छात्र के रूप में, तो वो ड्रेस धारण करते हैं। तो क्या जो छात्र बिना ड्रेस के आएंगे, क्या उनको अनुमति नहीं होगी अंदर आने की? देखिए, प्राचार्य जी की वो सूचना है, आप मीडिया के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई गई है, नोटिस के माध्यम से पहुंचाई गई है, उसमें तो यही है कि उनको मतदान के दिन गणवेश में आना पड़ेगा महाविद्यालय के। मतदान के दिन ही मतगणना होगा? हाँ जी, मतगणना जो है उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? CC कैमरा? जी जी जी, जो हमारे यहाँ मतगणना होगी वो हमारे पास जिमनेजियम हॉल है, जो CCTV कैमरे से युक्त है। मतगणना वहीं पर होगी 2 बजे से परिणाम आने तक। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है कॉलेज के अंदर? जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हम लोगों को सुरक्षा और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, जो कल भी उसकी पूरी व्यवस्था होगी। लगातार CO साहब जो है स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है जी।